फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोहिणी वंस अगेन आज आपका मॉम किड जंक्शन पे स्वागत करती हूँ। तो आज हमारा वीडियो जो है वो है पार्ट टू, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि 2 से 3 साल के बच्चों को हमें सबसे पहले क्या पढ़ाना चाहिए और या फिर हमें किन चीजों से उनको उनकी जो पढ़ाई है या फिर उनकी जो डेवलपमेंट है, लर्निंग स्किल्स है, उनको स्टार्ट करना चाहिए। तो पहले मैंने आपको बता दिया था, उसकी लिंक जो है, उस वीडियो की लिंक मैं आपको ऊपर दे दूंगी, जहां से आप जाके उसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। आज का वीडियो जो है वो है उसका सेकेंड पार्ट, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि उसके बाद जो मैंने उनमें जो इंट्रोड्यूस किया था वो था राइम्स, फाइन मोटर्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। उसमें क्या क्या आता है वो आपको उस वीडियो में पता चल जाएगा। अब उन सारी डेवलपमेंट्स के बाद आपको किन चीजों की जरूरत है, क्या क्या सिखाने की जरूरत है, वो आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो जरूर वीडियो में पूरा बने रहिएगा, फुल वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे आपको बहुत अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि आपको किस तरीके से बच्चों की हेल्प करनी है, उनको बहुत सारी अलग अलग चीजें सिखाने में। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, जरूर 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 पूरा वीडियो देखिएगा। तो उसके पहले अगर मैं आपको बताना चाहूंगी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक कर देना, जिससे क्या होगा आपको आने वाली वीडियोज की अपडेट्स मिलती रहेंगी। और इस तरह से आपको बहुत ज्यादा वीडियोज देने के लिए जो मुझे मोटिवेशन मिलता है वो भी आपको मिलता रहेगा, मतलब आपको वीडियोज मिलते रहेंगे एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि उनको जो राइम्स वगैरह, उनको रिदम्स में सिखाइए, फाइन मोटर स्किल्स छोटी छोटी चीजों के साथ सिखाइए, ग्रॉस मोटर स्किल्स मीन्स अच्छे से उनका जो पूरा डेवलपमेंट होता है वो होने दीजिए। तो ये सब होने के बाद बच्चे एक लर्निंग फेज में आ जाते हैं। लर्निंग फेज में मतलब अभी जैसे घर की चीजों को बोलना, घर की चीजों की चीजों को उनको रिकग्नाइज करना, अपने घर की भाषाओं में बोलना, इंग्लिश में बोलना, तो बच्चे छोटी छोटी चीजें सीखना शुरू कर देते हैं। किसको क्या बोलते हैं, स्पून, प्लेट, पेपर, टेबल, सब कुछ बोलना शुरू कर देते हैं बच्चे इस टाइम पे। तो अब यहाँ पे चीजें आती हैं कि उनको स्टडीज में हम लोग क्या स्टार्ट करें। तो स्टडीज में अब बच्चों का 2 से 3 साल, मतलब 2.8 के आगे तो प्ले स्कूल का जो एज होता है वो स्टार्ट ही हो जाता है। तो आपको अभी क्या स्टार्ट करना है, आपको स्टार्ट करना है एक्टिविटीज में। सबसे पहले आपको अल्फाबेट्स, नंबर्स, जैसे फ्रूट्स के पिक्चर्स, वेजिटेबल्स के पिक्चर्स, इस तरीके की जो किट आती है, मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगी, मैंने खुद मंगवा के रखी हुई है, मतलब मंगवाई है, अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुई है, मैंने अपनी बेटी के लिए मंगवाई है तो रिसीव नहीं हुई, इसलिए मैंने अब दिखाई नहीं है। जब मेरे को मिल जाएगी तब मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो इसमें आप उसके साथ अल्फाबेट्स, लेटर्स, उसके बाद पिक्चर्स, फ्रूट्स के पिक्चर्स, एनिमल्स के पिक्चर्स, वेजिटेबल्स के पिक्चर्स, उसमें बड़े बड़े पिक्चर्स होते हैं। तो बड़े पिक्चर्स में क्या होता है ना, बच्चों के जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको जितना बड़ा पिक्चर आप दिखाओगे, जितनी बड़ी चीजें आप दिखाओगे, वो उतना जल्दी ग्रास्प करेंगे। इसलिए उनको हमेशा एक पेज पे एक ही पिक्चर दीजिए। बिकॉज क्या होता है ना, आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चों को हम लोग कलरिंग देते हैं वो एक पेज पे एक ही फ्रूट या फिर एक ही चीज बनी होती है। क्यों? क्योंकि उनको बड़े पिक्चर में समझ में आता है कि वो चीज क्या है, कलर्स अच्छे से समझ में आते हैं। तो आपको उनको कलर सिखाना है, नंबर सिखाने हैं, काउंटिंग सिखाने हैं, ब्लॉक्स वगैरह करना सिखाना है। सो ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखानी पड़ेंगी। ये आपको किस तरीके से सिखाना है इसके लिए भी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आऊंगी, तो वो भी आपको बहुत ईजी रहेगा। तो अब आप इसमें क्या स्टार्ट कीजिए, आप वो बुक्स खरीद लीजिए, उसकी मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगी, जिसके बारे में मैंने बताया है, जो जिसके बारे में बात कर रही हूँ। तो उसमें एक ही पेज पे एक बड़ी सी पिक्चर रहती है, तो हमेशा वो बच्चे उसके ऊपर क्यूरियस रहते हैं कि हाँ ये क्या है। सो मेरी बच्ची क्या करती है, वो करती है, मम्मी ये क्या है, मम्मी चलो स्टडीज करते हैं, मम्मी चलो पढ़ते हैं, चलो स्टडीज करते हैं, ऐसे करके वो बुक लेके आती है। मैंने उसका फुल ऐसा किट ही बना दिया, जिससे क्या होता है ना, उसको एक फीलिंग आने लगती है। और अभी ये कोविड सिचुएशन में प्री स्कूल बच्चों का तो इतना नुकसान हो गया है कि वो कोई भी स्कूल में नहीं जा सकते, और अगर हम लोग डालेंगे भी तो ऑनलाइन एजुकेशन के फायदे और नुकसान तो आपको पता ही है, नुकसान ही ज्यादा है, फायदे तो नहीं है। एंड ऑनलाइन के लिए कोई भी बच्चा नहीं बैठेगा, छोटा बच्चा तो नहीं बैठेगा, इसलिए मैंने उसका किट ही ऐसा घर पे बना दिया, जिससे क्या होता है उसको एक फील आने लगता है। एंड मैं उसको बिठाती हूँ एंड अकॉर्डिंगली वो पिक्चर्स दिखा के, वो बुक्स दिखा के मैं उसको पढ़ाती हूँ। तो ये मैं ये टेक्निक करती हूँ। तो ये वाली बुक्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जिसकी पिक्चर्स मैं दिखा रही हूँ। जब मेरे पास खुद आ जाएंगी तब मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद जैसे जैसे आप जैसे कोई पिक्चर्स हैं, जैसे गूगल पे अगर आप पिक्चर्स को सर्च कर सकते हैं, अल्फाबेट्स, चार्ट्स लगा लीजिए आपके घर में,
अल्फाबेट्स के वगैरह चार्ट्स लगा लीजिए, जिससे क्या होता है ना आते जाते बच्चे करते रहते हैं, तो आते जाते फिर वो टीचर टीचर के जैसे करने लगती है कि ये है वो है, तो अकॉर्डिंगली बच्चों की एक डेवलपमेंट वो होने लगती है एंड उनको वो अच्छा लगता है सीखने में, उनको मजा आता है, इसलिए आप इस तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अल्फाबेट्स, लेटर्स, पिक्चर्स के साथ उनको रिकग्नाइज कराना है, उनको जरूरत नहीं है स्पेलिंग्स ही आने चाहिए, लेटर्स ही आने चाहिए, रिकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले रिकग्निशन स्टार्ट कराइए देन बाकी के स्टेप्स में जाइए। उसके बाद नेक्स्ट आता है राइटिंग के लिए, राइटिंग में आपको क्या करना है, राइटिंग में सबसे पहले आपको स्टैंडिंग लाइन सिखानी है, उनको एक जस्ट लाइन डालने दीजिए, स्टैंडिंग लाइन सिखाइए, जैसे जैसे वो स्टैंडिंग लाइन अच्छे से करने लगेगा देन आप स्लीपिंग लाइन कराइए, जिसमें आपको यहाँ पे साइड में पिक्चर्स दिखा रही हूँ, स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन्स को कराइए। पहले बच्चे बहुत बड़ा बड़ा करेंगे, फिर उनको डॉट्स देके दीजिए, डॉट्स देके करेंगे तो क्या होगा, फिर वो ज्वाइन करना करेंगे, लेकिन वो पहली बार में ज्वाइन नहीं करेंगे, दोनों डॉट्स को ज्वाइन नहीं करेंगे, फिर भी वो बड़ा लिखाएंगे, तो आपको क्या करना है, उनको बार बार वो चीजें देनी है। स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन के लिए आप जो डॉट्स वाले जो होते हैं उनका यूज करें, लेकिन उनको भी यूज करने से पहले सबसे पहले आप प्लेन पेपर यूज करें। प्लेन पेपर इसलिए यूज करना है क्योंकि हमें कोई भी उनको रिस्ट्रिक्शंस नहीं देने हैं स्टार्टिंग में ही कि आपको यहां से यहां तक ही करना है, पहले उनकी पेंसिल पकड़ने का, ग्रिप का, स्टैंडिंग लाइन खींचने का, उनको ये समझने दीजिए, और जैसे जैसे उनकी स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन होने लगेगी तो उनको स्लैंडिंग लाइन देन कर्व्स लंपटी वो जो होता है वो, देन उसके बाद शेप्स में सर्कल, ओवल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ये बेसिक शेप्स सिखाइए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शेप्स, ये स्लैंटिंग स्लीपिंग लाइन्स से रिलेटेड शेप्स होते हैं, इसलिए हमें ये शेप्स उनको सिखाने पड़ते हैं, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट है उनके लिए जो बेसिक लेटर्स हमें स्टार्ट करने हैं, अब इनके बाद लेटर्स भी सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कौन से लेटर्स हम सबसे पहले, हम स्टार्टिंग में ही ए फिर बी फिर सी फिर डी ऐसे नहीं सिखाते हैं, प्री स्कूल में भी अगर हम लोग देखते हैं तो टीचर्स डायरेक्टली ए बी सी डी नहीं सिखाती हैं एक के बाद एक, उनके लेटर्स पूरे एकदम सिंपल होते हैं, तो सबसे पहले आई सिखाया जाता है, तो आई में सिर्फ स्टैंडिंग लाइन है, एल सिखाया जाता है, एक स्टैंडिंग लाइन एक स्लीपिंग लाइन, देन यू सिखाया जाता है, ओ सिखाया जाता है, देन के सिखाया जाता है, एम सिखाया जाता है, एन सिखाया जाता है, तो जिसमें स्लैंटिंग एंड स्लीपिंग लाइंस होती हैं पहले उन लेटर्स को लिया जाता है, फिर जो जिसमें सर्कल होते हैं जैसे ओ हो गया, पी हो गया, ये वाले सिखाए जाते हैं, तो जब उनका हाथ ग्रिप अच्छे से बैठ जाती है उसके बाद फिर एस बाकी क्यू वगैरह ये जो होते हैं ये बाद में सिखाए जाते हैं, तो पहले स्लीपिंग लाइन वाले लेटर्स, देन स्लैंटिंग लाइन वाले लेटर्स, देन लंपटी बंपटी वाले जैसे जो यू हो गया, वी हो गया, देन डब्ल्यू हो गया, ये वाले लेटर्स होते हैं, सबसे पहले कैपिटल से स्टार्ट करें, स्मॉल जल्दी से ना सिखाए, कैपिटल से स्टार्ट करें, एंड देन इसके बाद ये वर्ड्स होने के बाद बाकी के आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे एस हो गया, एस भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो वो बाद में वो कर सकते हैं। उसके बाद नंबर्स सिखाने की बारी आती है, तो नंबर्स में सबसे पहले वन, देन टू, टू के लिए आपको क्या होगा, कर्व करना पड़ेगा, तो टू थोड़ा बाद में, तो वन जीरो इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, देन उसके बाद थ्री नाइन एट ये सारे आपको, सेवन ये सारे आपको स्टार्टिंग में सिखाने, एकदम से आप वन के बाद टू, टू के बाद थ्री ऐसे ना करें, स्टेप बाय स्टेप स्लीपिंग स्लैंटिंग वाले पहले ले एंड जो कर्व वाले हैं वो उसके बाद एंड जो और भी डिफिकल्ट वाले हैं वो उसके बाद, सो अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप आपको इन चार मेथड से स्टेप बाय स्टेप जाना है। पहला जो है वो रिकॉग्निशन का है जिसमें अल्फाबेट्स लेटर्स एंड पिक्चर्स आएंगे, सेकेंड है राइटिंग, राइटिंग में आपको स्लीपिंग एंड स्लैंटिंग लेना है, देन कर्व्स लेने हैं, देन लंपटी बंपटी एंड देन आपको उसी में शेप्स इन्वॉल्व करवाने हैं, देन राइटिंग में ही आपको फिर अल्फाबेट स्टार्ट करने हैं, अल्फाबेट्स में स्लैंटिंग स्लीपिंग वाले अल्फाबेट्स पहले लीजिए, स्लैंटिंग स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग वाले, उसके बाद कर्व्स वाले अल्फाबेट लीजिए, लेटर्स नंबर्स में भी आपको वही करना है, आपको पहले स्लैंटिंग एंड स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग वाले लेटर्स नंबर्स लेने हैं एंड देन आपको दूसरे वाले नंबर्स लेने हैं, तो इस तरीके से आपको इंट्रोड्यूस कराना है, पहले उनको रिकॉग्निशन कराइए देन उनको राइटिंग कराइए एंड साथ ही में बीच बीच में एज एन एक्टिविटी कलरिंग भी कराते रहिए, जिससे क्या होता है उनकी ग्रिप अच्छे से पकड़ती है, जो बच्चा कुछ बच्चे हल्का लिखते हैं उनको डार्क लिखने की आदत नहीं हो पाती है तो उनको वो लिखने की आदत हो जाती है, कोई बच्चे बहुत डार्क लिखते हैं तो उनको उनका प्रेशर कितना देना है पेंसिल पे वो समझने के लिए स्क्रिबलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में स्क्रिबलिंग कराइए, स्क्रिबलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे अच्छी चीज है ड्रॉइंग, कोई भी शेप्स दे दीजिए उनको कलर करने के लिए
बोलिए, ये बहुत बेस्ट टेक्निक है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। जरूर इस वीडियो के साथ आपको जो भी हेल्प मिली है, आपको जैसा भी वीडियो लगा है, जरूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही में कैसा लगा आपको वीडियो, वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में ऐसे और सारे वीडियोज बनाने के लिए जो मोटिवेशन मुझे मिलता है, उसके लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक करना ना भूलें। और जरूर मुझे आपकी जो मदद है, आपकी जो हेल्प है, वो मिलती रहती है, आपसे मोटिवेशन मिलता रहता है। तो इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए आपको यही सारी चीजें करनी है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक टेक केयर, सी यू सून एंड बाय बाय, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब।